पूरा गड्ढा कर दिया गया, इसी में आप लोग टॉयलेट करने जाएंगे। जिनको छठ में बहुत जोर का गया है उनके लिए अच्छा बनाया गया है, पर जितने भी एंट्री पॉइंट है वो सब बंद रहेंगे। और यहाँ पर देखिए स्टेज बना हुआ, यहीं पर प्रिया मलिक आने वाली है शाम को, तो आप लोग बहुत जाएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा चार्ज नहीं लगने वाला है। देखना तो बाहर ही देख पाएंगे, जो DRF की टीम सब भी पहुंचे हुए हैं, वो डूब नहीं जाए उसके कारण से बैरिकेड भी कर दिया गया है। हेलो दोस्तों, मैं अजय, स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों अभी हम लोग दीघा के पास आए हैं, गोलंबर आप लोग देख सकते हैं, वहीं पर हम लोग हैं। तो यहाँ पर छठ का आपको क्या बंदोबस्त किया गया वही आपको दिखाने वाले हैं। सब बोले थे सिर्फ NIT घाट का आप दिखाएं, काय घाट के दिखाएं, तो थोड़ा दीघा का भी दिखाइए। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बिल्कुल सवेरे सवेरे आ चुके हैं, ये देखिए दोस्तों सवेरे हैं, पूरा फॉग होना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि नवंबर का महीना ठंडा समझिए आ ही चुका है, इसका आंसर ऐसे दिख रहा होगा। वैसा भी अभी ठंडा नहीं हुआ है, बट सवेरे सवेरे हम लोग को फॉग अब देखना स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं क्लियर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो ड्रोन का शॉट तो अभी नहीं ले रहे हैं, वेट करते हैं वरना फिर तो निकल ही जाएंगे। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, छठी मैया का स्वागत हो रहा है यहाँ पर। प्रिया मलिक जी भी आने वाले शाम को, तो पहुँच जाइएगा आप लोग 8:30 बजे रात को। अपना देख सकते हैं दोस्तों सजावट, आपको चल के दिखाते हैं, ये देखिए। आइए दोस्तों, ये प्रिया मलिक के लिए देखिए अभी स्टेज यहाँ पर बन रहा है, और इसके बाद यहाँ पर छठ के लिए भी बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया है। क्रिकेट वगैरह तो स्टार्ट हो चुका है, कोई लड़के बच्चे लोग हैं तो क्रिकेट तो खेलेंगे ही। यहाँ पर देखिएगा स्टेज बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, ये देखिए दोस्तों, और आगे पूरा छठ के लिए तैयारी चल रहा है। हाँ, छठ के लिए दोस्तों पूरा तैयारी चल रहा है। हाँ, क्रिकेट भी देखिए दोस्तों बच्चों का चल रहा है, बाकी पूरा बंदोबस्त अच्छा से किया गया है। देखिए घेराव पूरा आपको दिख रहा होगा इस तरह से, और यहाँ पर देखिए स्टेज बना हुआ, यहीं पर प्रिया मलिक आने वाली है शाम को, तो आप लोग पहुँच जाएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा चार्ज नहीं लगने वाला है। देखना तो बाहर ही देख पाएंगे, जो VIP गेस्ट रहेंगे वो सिर्फ अंदर से देख पाएंगे। बाकी छठ के लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया है, आइए आगे चल के दिखाते हैं बैरिकेडिंग। ये कि छठ के टाइम बहुत धूल उड़ने लग जाता है, जब छठ के टाइम आइएगा तो इतना गाड़ी जो चलता है पूरा धूल धूल आपको होने लगता है। अशोक राजपथ पे, तो ये आपके माध्यम से हम सबको सूचित करना चाहेंगे कि अशोक राजपथ पर जितने भी एंट्री पॉइंट है वो सब बंद रहेंगे। उसके अंदर केवल जो पटना साइंस कॉलेज की तरफ जाने वाला खजांची रोड की तरफ से जो रास्ता है वो ओपन रहेगा, और पटना साइंस कॉलेज के अंदर ही निर्धारित पार्किंग स्थल आपका होगा। उसके अलावा दीघा मोड़ से आशियाना मोड़ की तरफ जाने वाले सभी वाहनों का परिचालन पर पूर्णतः रोक होगी। फिर दूसरा जो इसका भाग है वो है JP सेतु, उसके अंदर 7 तारीख को दोपहर को 2 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक, और 8 तारीख को दोपहर को 3 बजे से सुबह 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। देखिए नीचे हर साल यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, कुछ पिछले बार के आपको भीड़ का थोड़ा वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तो अभी चलने का जगह नहीं रहेगा, वैसा रहेगा छठ अभी जब होगा तो, इसलिए आपको खाली खाली लग रहा होगा। बाकी बहुत अच्छा बंदोबस्त, JP सेतु घाट देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और हम लोग को छठ को लेकर देखिए अभी से स्टार्ट हो चुका है भीड़। अभी सवेरे सर मॉर्निंग के टाइम है इसलिए थोड़ा फॉक आपको दिख रहा होगा। छठ में दोस्तों आप कौन सा घाट जाने वाले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। NIT और दीघा में सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ब्रिज के ऊपर से NIT जो है ब्रिज बन गया, उसके ऊपर से जाके वीडियो बनाएंगे, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, उसमें पुलिस पूरा रहते हैं तैनात, तो ब्रिज के ऊपर जाने के लिए नहीं देते हैं। इसलिए आप लोग छठ के टाइम सोच रहे हैं ब्रिज के ऊपर से खड़े होकर वीडियो बनाएंगे देखेंगे, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होने वाला। लास्ट टाइम मैंने भी ट्राई किया था बट हो नहीं पाया, पुलिस बोले कि नहीं यहाँ पर नहीं रुकना है, आगे नीचे ही घाटे पर चला जाए। DRF की टीम सब भी पहुँचे हुए हैं, वो डूब नहीं जाए उसके कारण से बैरिकेड भी कर दिया गया है सुरक्षा के, उसके आगे नहीं जाना है, बस बैरिकेड के इधर ही, उधर कोई भी जाएगा भाई तो डायरेक्ट पुलिस थाना वाले पकड़ के ले जाएंगे। घाट पर ऐसा ही आपको दिखने वाला है, और भी कुछ कुछ घाट है जो कि सज चुके हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर से ही ब्रिज से दिखाएंगे। अभी तो देखिए अलाव मिलने वाला, बोलेगा अभी कैसे वीडियो ले रहे, छठ के टाइम आपको ब्रिज के ऊपर नहीं रुकने को मिलेगा, अभी तो रुक सकते हैं क्योंकि छठ स्टार्ट नहीं हुआ है। प्रिया मलिक का दोस्तों आप लोग गाना सुनना तो आ जाइए, आज 8:30 बजे यहीं पर होने वाला, बिल्कुल फ्री है, कोई एंट्री नहीं लगेगा, सिर्फ आज भर के लिए, डेली नहीं रहेगा। आज 8:30 बजे रात को आप लोग पहुँच जाइएगा दीघा के पास, यहीं पर पूरा स्टेज बना हुआ है, आकर आप लोग कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, आराम से फ्री में देख सकते हैं। इसके पहले सिटी सेंटर में आए थे लास्ट टाइम, तो काफ़ी अच्छा बहुत भीड़ है हम लोग को देखने वाला था, यहाँ तो खुले में है तो यहाँ पर शायद और ज़्यादा भीड़ देखने को मिले। चेंजिंग रूम के लिए यहाँ पर बन भी चुका है, कपड़ों से झाँप गई, बाथरूम के लिए बनाया गया, देख लीजिए बाथरूम के लिए भी बनाया गया, बहुत अच्छा इस बार बंदोबस्त किया गया दोस्तों। गाड़ी वाला बता दे रहे हैं यहाँ पर नहीं पार्किंग, SP का आपको जो सुनाते हैं पूरा वीडियो में देख लीजिए कैसे कैसे रूट आना है क्या नहीं आना है, गाड़ी वाला आप यहाँ पर इस बार नहीं पार्क कर पाइएगा, बहुत ज़्यादा धूल उड़ने लग जाता है, इस कारण से गाड़ी वाला को रोक लगा दिया है, गाड़ी वाला यहाँ पर नहीं पार्क करना है, उसके लिए अलग से बनाया गया है, सबको वीडियो देख लिएगा, न्यूज़ वगैरह फैल चुका है, तो वहीं पर आपको पार्किंग रहेगा। जगह सामान डालने के लिए देखिए यहाँ पर गड्ढा कर दिया गया, यहीं पर गंगा जी में नहीं फेंकना है, गंगा जी में नहीं फेंकना है, यहीं पर देखिए पूजा का सामान के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया गया है इस तरह से, इसी में अपना डाल देना है कचड़ा जो भी है। दोस्तों आप लोग को वॉच टावर पर चढ़ के दिखाते हैं, यही है देखिए, गिरेगा नहीं ना मैं भैया, ये देखिए इस तरह से ऐसे करके ऊपर आपको चढ़ जाना है, ये आप लोग का वॉच टावर है,
कीड़े का नहीं ना हो। तो ये दोस्तों हम लोग का वॉच टावर देख लीजिए, ऊपर आ गए, ऐसा हिलना है कि डर लग रहा है। वॉच टावर के ऊपर खड़े हो गए हैं यहीं से, ये देखिए वॉच टावर के ऊपर खड़े हो गए, हिल रहा है। पता नहीं पुलिस वाले कैसे रहते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ऐसा ही आप लोगों को पता होगा, एक नंबर में डरपोक हूँ, कोई बड़े झूला पर तो जाता ही नहीं हो, तो ऊपर खड़ा होकर दो फ्लोर पर बड़ा ज़बरदस्त डर लग रहा है। देखिए पुलिस वाले पता नहीं कैसे निगरानी रखते हैं, ऐसे कोई चोट लगने वाला है नहीं, फिर भी अच्छा बंदोबस्त किया गया है। तो आप लोग भी छठ पूजा में आ रहे हैं दोस्तों, तो किसी भी घाट में किस घाट में जाने वाले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं। देखिए दोस्तों टॉयलेट पूरा एकदम रेडी यहाँ पर है, ये देखिए देख लीजिए नीचे पूरा गड्ढा कर दिया गया, इसी में आप लोग टॉयलेट करने जाएगा। जिनको छठ में बहुत जोर का गया है उनके लिए अच्छा बनाया गया है। ये देख लीजिए दोनों तरह का टॉयलेट आपको दिखने वाला है, मूत्र विसर्जन और वो जो बड़ा वाला वो दोनों का है यहाँ पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों अब यहाँ से निकलते हैं और चल के घाट आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ऊपर ही से ब्रिज के ऊपर से दिखा देंगे। तो दोस्तों कृष्णा घाट के पास आ गए हैं, दीघा के पास से हम लोग लौट कर आए, नया वाला जो बना है देखिए, यहाँ से निकलने के लिए यहीं पर देखिए मौत का आपको मंजर दिखाते हैं। ये देखिए इतने सारे लोग सवार हो गए हैं बोट पर, जान जोखिम डाल के वो मतलब ओवरलोड हो गए हैं। पिछले साल कुछ साल पहले ही देखे थे दुर्घटना हो चुका था, तो इतना ओवरलोड नहीं करना चाहिए। बाकी चलिए घाट का कुछ नज़ारा दिखाते हैं कैसा यहाँ पर बनाया गया। कृष्णा घाट के पास आप पहुँचे हैं, बंदोबस्त बहुत अच्छा किया गया, देखिए बैरिकेडिंग कर दिया गया। लास्ट टाइम आए थे तो ये सब देखिए पुल के नीचे पूरा लाइट लगा दिया जाएगा, शाम का नज़ारा दिखाएंगे जब लाइट लगेगा। तो ये देखिए बैरिकेडिंग कर दिया गया, इसके आगे नहीं जाना है। पानी का लेवल यहाँ देखिए कहाँ तक लोग डूब रहे हैं, ये देखिए आधा यहाँ तक सीने तक आपका पानी जा रहा है, उसके आगे बहुत ज़्यादा है, लोग डूब जाए इसलिए उसके आगे नहीं जाना है। बैरिकेडिंग पूरा कर दिया गया है, कृष्णा घाट है आगे, सब घाट जुटते जाएगा, एनआईटी घाट भी होगा। ये देखिए दोस्तों जूम करके आप लोग दिखा रहे हैं, तो एनआईटी घाट के पास तो देख लीजिए गांधी घाट है, इसी को एनआईटी घाट बोलते हैं। यहाँ भी काफ़ी अच्छा बंदोबस्त कर दिया गया है, स्वागत है छठ पूजा में, गेट भी बना दिया गया। लास्ट टाइम दे दिए थे ये, नहीं गेट नहीं बना हुआ था। ये देख लीजिए दोस्तों अभी मूर्ति विसर्जन भी हुआ है लक्ष्मी माता का, काली माता का भी हो रहा है। देखिए पूरा आगे घाट तक रेडी हो चुका है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए देख रहे दोस्तों अच्छा बंदोबस्त कर दिया गया। लास्ट टाइम आते थे तो कुछ भी नहीं था, ये सब कपड़ा ड्रेस चेंजिंग के लिए बना दिया गया। ये सब में जो आप लोग बैठते हैं ड्रेस चेंजिंग रूम रहेगा, आगे महिलाओं के लिए ड्रेस चेंजिंग रूम रहेगा, और ये सब जो गोल गोल देख रहे हैं सब ड्रेस चेंजिंग रूम रहेगा। सब घाट में ऐसे ही आप लोग देखने वाले हैं, आगे जितना भी घाट जाइएगा सब घाट में इसी तरह से देखिएगा। और यहाँ पर पुलिस के लिए निगरानी के लिए रहेगा, देखिए यहाँ पर पुलिस वाले हैं सब रहेंगे निगरानी के लिए रहेगा। ये पब्लिक के लिए स्टेज नहीं रहता, लेकिन पब्लिक स्टेज नहीं रहता है यहाँ पर, पब्लिक को नहीं खड़ा दिया जाता है। पुलिस वाले बोलते रहते हैं वीडियो नहीं लेना, नहीं लेना, घाट पूजा पे छठ पूजा करिए वापस घर चले जाइए। चलिए दोस्तों व्लॉग ऑन कर रहे हैं, ऐसे ही पटना बिहार को एक्सप्लोर करते रहेंगे, छठ पूजा का वीडियो पूरा आते रहेगा। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक।